वेलकम टू पार्ट टू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। आगे चलते हैं अगले क्लाउड सर्विस की तरफ, जिसका नाम है पास। पास का मतलब होता है क्लाउड आपको प्लेटफॉर्म एज सर्विस प्रोवाइड करती है। पास के सब्सक्राइबर कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्लाउड पे क्रिएट कर सकते हैं बिना उन सॉफ्टवेयर पैकेजेस को परचेज किए या जिनसे एप्लीकेशन डेवलप होती है। पास बिल्कुल सास जैसा है, पर फर्क यह है कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर एज सर्विस नहीं बल्कि एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म एज सर्विस मिलता है, जिसपे आप एप्लीकेशन डेवलपर्स एप्लीकेशन को फुल फ्रीडम के साथ बिल्ड कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि स्टोरेज कम है या ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटेबल नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। इसमें डेवलपर्स अपनी ऐप को आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, वेब सर्वर जैसी फैसिलिटीज यूज करते हैं बिना मेंटेनेंस की परवाह किए। पास की एग्जांपल है विंडोज एज्योर और वीएमवेयर वी फैब्रिक। क्लाउड का अगला कंपोनेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस प्रोवाइड करना। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंट सर्विसेज आती हैं, जैसे कि स्टोरेज और नेटवर्क, और फिर ये जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की है कि वो किस तरह अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करके इन चीज़ों को हमारे लिए इंस्टॉल और मेंटेन करता है। IaaS में सब्सक्राइबर या फर्म अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी सर्विसेज को एफिशिएंटली स्केल कर सकती है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल है। IaaS को यूज़ करके यूज़र बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग कर सकता है, जैसे कि अपने कंप्यूटर नेटवर्क की मॉनिटरिंग, अपने स्टोरेज की और दूसरी चीज़ों की भी। IaaS की प्रोवाइडेड सर्विसेज में डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, नेटवर्क और स्टोरेज। इन सब को वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक के जरिए सब्सक्राइबर तक पहुँचाया जाता है। IaaS की एग्जाम्पल अमेजोन है, जो कि ये सब सर्विसेज यूजर्स को प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, वैसे तो क्लाउड के बेशुमार फायदे हैं, पर टाइम की कमी होने की वजह से हम चंद अहम फायदों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला एडवांटेज है एफिशिएंसी कॉस्ट रिडक्शन। दोस्तों, क्लाउड यूज करने पे आपका ढेर सारा पैसा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर परचेज करने से बच जाता है और उनकी मेंटेनेंस के झंझट से भी आप महफूज रहते हैं, क्योंकि ये सब काम सिर्फ चंद ही पैसे लेकर सर्विस प्रोवाइडर्स आपके लिए करते हैं। दूसरा फायदा होता है सिक्योरिटी का। क्लाउड पे आपका रखा हुआ डेटा हमेशा हैकिंग और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लीक या लॉस्ट होने से महफूज रहता है। यानी कि अगर मैं अपना इंपॉर्टेंट डेटा क्लाउड पे रख दूं और किसी भी डिजास्टर जैसे कि जलजले के आने की वजह से वो डेटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे डेटा की मल्टीपल कॉपीज अलग अलग सर्वर्स पर रिमोट लोकेशंस पे सेव है। तीसरा और सबसे बेहतरीन फायदा है स्केलेबिलिटी। दोस्तों, हर यूज़र या कंपनी की डिफरेंट नीड होती हैं। एक स्टार्टअप बिजनेस और एक लार्ज इंटरप्राइज की नीड में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हर तरह के क्लाइंट के लिए बेस्ट ऐसे है कि इसमें कोई फिक्स पैकेज नहीं है। यूज़र अपनी मर्जी और इस्तेमाल के मुताबिक पैकेज और उस पैकेज के हिसाब से पे करता है। सपोज करें मैं एक IT कंपनी स्टार्ट करूँ और क्लाउड का एक नॉर्मल सा पैकेज ले लूँ। कुछ टाइम बाद कंपनी सक्सेसफुल होने पे मेरे एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए और मेरी रिसोर्सेज की नीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा स्टोरेज और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ले लूँ। और उसके बाद वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से अगर मैं एक और ब्रांच खोल लूँ ताकि मेरा वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब इतना बड़ा पैकेज और इतना सारा स्टोरेज मेरे काम का नहीं रहा, मेरा इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, तो क्या ये सारी चीज़ें अब वेस्ट होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक अपनी सर्विसेज को स्केल करके अप या डाउन कर सकता हूँ। क्लाउड मुझे किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं करता, और यही सबसे ज़्यादा फायदे वाली बात है। चौथा फायदा है मोबिलिटी, यानी कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ किसी भी स्मार्ट डिवाइस की मदद से काम कर सकता हूँ। मैं ऑफिस के सिस्टम्स पे काम करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है, फिर मैं चलते फिरते सफ़र में कैसे भी अपना काम कर सकता हूँ। लास्ट एडवांटेज है डिज़ास्टर रिकवरी, जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि मेरा डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा। चाहे कोई भी खराबी या डिज़ास्टर हो जाए, अगर मैं ट्रेडिशनल डेटा स्टोरेज मेथड यूज़ करता तो मेरे डेटा की हर वक्त अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं थी, पर क्लाउड से ये भी बेनिफिट है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ सिर्फ फ़ायदों के साथ नहीं आती, हर चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। इसी तरह क्लाउड के भी चंद नुकसान हैं जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि आपका डेटा आपके पास फिजिकली स्टोर नहीं है, यानी कि उसे यूज़ करने के लिए आप सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट हो। दूसरा नुकसान ये है कि इन ढेर सारी सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए आप इंटरनेट के मोहताज हैं। अगर इंटरनेट नहीं है तो आपका ये ज़बरदस्त क्लाउड सिस्टम आपके किसी काम का नहीं।
एक डिसएडवांटेज माइग्रेशन का भी है। सपोज करें अगर आप अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चेंज करना चाहते हैं और किसी और से सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आपका GBs का डेटा पहले तो आपको एक हार्ड ड्राइव के ऊपर सारा डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास अपलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी मुश्किल पेश आ सकती है। दोस्तों, इतने लंबे डिस्कशन के बाद हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज़ के लिए सबसे बेस्ट और चीप तरीका है कि वो अपनी तमाम ज़रूरियात को एक ही जगह से एक साथ हासिल कर सकें, और ये कि क्लाउड यूज़र की आसानी के लिए बेहतरीन तरीका है कि वो अपने रिसोर्सेज को अलग अलग जगह रखे, जिन्हें वो बाद में डिवाइसेस पे इंटरनेट के ज़रिए ज़्यादा डिस्टेंस से भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक मिला है प्रेजेंटेशन के लिए तो आप वो भी कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।